hello students uh, we have an interesting world of insects around us and insects have a few peculiar behavior and one of them is the presence of pheromones in them so we are going to study the role of pheromones in insect behavior so let's come to the introduction first uh, you must be wanting to know what are pheromones जब कभी भी शहर में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है और हमको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होता है और हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी पार्शल ब्लाइंडनेस की सिचुएशन में हमको सडनली uh, एक फिश uh, की फ़िश uh, की स्मेल आती है और हमको आइडिया uh, लग जाता है क्योंकि uh, हमारे घर के पास अगर एक फ़िश की शॉप है और हमको अगर स्मेल आने लग गई तो हमको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाता है कि हम हमारे घर से कितनी दूर हैं इमीजिएटली पता चल जाता है तो हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है मैन की सेंस ऑफ़ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड नहीं होती है फिर भी हमको ये पता चल जाता है तो अब आप सोचिए कि एक डॉग जो जगह जगह स्निफ कर रहा है सूंघ रहा है जगह जगह चीज़ों को तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो किस आ, स्मेल के किस वर्ल्ड में गंध के किस वर्ल्ड में आ, वो घूम रहा है डॉग तो डॉग्स जो होते हैं उनके पास अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड मिलियन ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं उनकी नाक में जो कि ह्यूमन uh, बींग से ट्वेंटी टाइम्स ज़्यादा होते हैं इसीलिए डॉग्स को ट्रेन किया जाता है ड्रग्स uh, या बॉम्ब्स इन सब के डिटेक्शन uh, के लिए एक ड्रग uh, रनर uh, या ड्रग रनर मीन्स जो ड्रग कैरिंग एक फीमेल अगर एक फ्लाइट में से बाहर निकलती है uh, जिसने हेरोइन को अपनी वजाइना में कंसील किया हुआ है तो एक स्निफर डॉग जो है वो उसको ले जाया जाए वहाँ पे तो वो पता कर लेता है कि कि ये पर्टिकुलर सीट जो है वो उस पर एक जो लेडी बैठी थी उस पर या जो भी पर्सन बैठा था दैट इज़ कैरिंग द ड्रग्स तो उस लेडी को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है या उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली और उसको पकड़ा जा सकता है ऐसा केस हो चुका है तो इसलिए इस हमको थैंकफुल होना चाहिए कि डॉग्स जो है वो उनकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी अच्छी है और वो हमारी हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी टेरिटरी को सेंट मार्किंग कर देते हैं सेंट से मार्क कर देते हैं सेंट कौन सी अपनी बॉडी की सेंट तो उनका जो होम रेंज है वो लोडेड हो जाती है उस सेंट से इससे क्या होता है कि एनिमल को अपना वो जो सेंट लोडेड एरिया है वो सेफ़ uh, लगता है उसको सेफ़्टी लगती है उसमें अपनी टेरिटरी uh, लगती है उसको वो तो uh, कोई भी आउटसाइडर ऐसे में आ जाए तो उसको इमीडिएटली एनिमल पहचान सकता है लोअर ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनमें स्पेशली इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फूड पाथवेज और मेट्स के लिए सेंट का यूज़ करते हैं अब आ जाइए आप फ्रेंच बायोलॉजिस्ट बॉनेट पर एटीन सेंचुरी में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हुए बॉनेट जिन्होंने एंड्स की ट्रेल्स ऑब्जर्व करी बॉनेट ने एक एंड्स की कॉलोनी एक टेबल पर प्लेस करी और दूसरे एंड पर टेबल के उन्होंने एक शुगर का हीप रख दिया छोटा सा शुगर का ढेर लगा दिया अब एंड्स जो थी उसको स्मेल करते करते एक लाइन में एक के पीछे एक के पीछे एक चलते चलते और शुगर के ढेर तक पहुँची और वहाँ से वो शुगर के ग्रेन्स को कैरी करके वो वापस से उसी रास्ते से वापस आ गई अपने नेस्ट की तरह या जहाँ पे यहाँ से मूव कर रही थी वो टेबल के एक से वापस आ गई तो ऐसे काफ़ी देर तक चलता रहा तो बॉनेट ने उनकी जो ट्रेल बनी वो एक के पीछे एक जो चल रही थी उसको उन्होंने एक बार रब कर दिया थोड़ा सा ट्रेल को बीच में बीच में रब करते ही उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में दोनों साइड से एक जगह जहाँ पर रब किया था उस जगह आके कई सारी एंड्स इकट्ठी हो गई और बीच में मतलब पैसेज खाली था वो जहाँ रब किया था तो थोड़ी देर तक वो अपने एंटीना को ऊपर करके एयर में हिलाती रही फिर वो ज़मीन को टच मतलब टेबल को टच करती रहीं और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि कोई एक आध कोई जो थोड़ी एंटरप्राइजिंग वाली या कोई बहुत ज़्यादा ब्रेव वाली थी एंड उसने आगे बढ़ के वो थोड़ी आगे आ गई और फिर वो आगे तक चली गई उस रब्ड पार्ट को क्रॉस कर गई और दूसरी तरफ पहुंच गई तो फिर बाकी एंड्स भी दूसरी तरफ जाने लग गई और अल्टीमेटली दोनों तरफ से पैसेज शुरू हो गया वापस इसका मतलब ये हुआ निकाला बॉनिट ने कि जो एंड्स की जो ट्रेल थी एंड्स जिस रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते पर जा रही थी उससे एक ट्रेल बन रही थी एक एक कुछ पीछे कुछ छोड़ती हुई जा रही थी वो जिससे एक ट्रेल बन गई और उस ट्रेल को फॉलो करती हुई सारी की सारी एंड्स उस रास्ते पर चल रही थी जा रही थी या आ रही थी वापस शुगर लेकर के तो इसका मतलब ये था कि एंड्स जो है वो एक केमिकल्स का कोई ट्रेल छोड़ती चली जाती हैं जिससे कि वो अपने रास्ते को पहचान सकती हैं उसके बाद जॉन हेनरी फेबर करके एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे इन्होंने आ, काम किया मौत्स के ऊपर इन्होंने क्या किया कि एक फ़ीमेल मौत को एक केज में रख दिया और उसको अपनी विंडो पे लटका दिया ये घर जो था उनका वो बिल्कुल जंगल के पास ही था तो उस फीमेल मौत को जब बंद किया तो उन्होंने उसके पंद्रह घंटे में देखा कि अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी मेल्स जो थे मेल मॉथ्स उसी स्पीशीज़ के वो उस आ, केज के आसपास कलेक्ट हो गए थे अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो केज था तो लेकिन कलेक्ट हो गए थे उसके आसपास तो उन्होंने आ, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट में उस फीमेल मौत को एक ग्लास कवर से ढक दिया जिसमें वो दिखाई तो दे रही थी आ, लेकिन उसकी बॉडी ऑर्डर या कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा रही थी तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक भी मेल वहाँ पर नहीं आया तो उन्होंने ये डिड्यूस किया कि जो फीमेल है वो आ, उसकी बॉडी ऑर्डर जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होती है मेल्स के लिए और उसी से अट्रैक्ट होके बॉडी अडर से फ़ीमेल की बॉडी अडर से अट्रैक्ट हो ही मेल इंसेक्ट्स उसकी तरफ आते हैं ठीक है तो आ, इसका मतलब ये हुआ कि आ, इंसेक्ट की बॉडी से इंसेक्ट्स जो हैं वो अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिनको आ, हम फिरमोन्स कहते हैं ओके ये फिरमोन्स जो हैं Uh, वो हार्मोन से अलग हैं ट्रू हार्मोन्स जो हम पढ़ते हैं हार्मोन से अलग हैं क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं जबकि फीरोमोन्स डक्टेड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं फिरमोन्स जो हैं वो एक्टोडॉर्मल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और दे आर सिक्रीटिड टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ठीक है ना ये फीरोमोन्स जो हैं वो अपने ही प्रजाति के दूसरे जंतुओं के बिहेवियर को कंट्रोल करने के काम में आते हैं तो हम फिरमोन्स को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं फिरमोल वो केमिकल्स हैं विच आर सिक्रीटेड बाय एन एनिमल एक एनिमल के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और अपनी ही प्रजाति के आ, एनिमल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक एनिमल द्वारा बाहर की तरफ अपनी शरीर के बाहर की तरफ एक सिक्रीट किए जाते हैं और वो जो रिसीविंग इंडिविजुअल है जो इन्हीं की प्रजाति का दूसरा इंडिविजुअल जो रिसीव कर रहा है वो उसकी उस पर्टिकुलर केमिकल की कोई प्रतिक्रिया दे तो उसको हम कहेंगे कि वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन रिलीज़ करवाता है फिरोमोन वो केमिकल है जो कि अपनी ही प्रजाति के जंतुओं में एक स्पेसिफिक रिएक्शन रिलीज़ कराता है तो टर्म फिरोमोन जो है वॉज इट वॉज ओरिजिनली अप्लाइड टू सेक्स अट्रैक्टेंट्स ऑफ इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स जो हैं उनके अंदर सेक्स अट्रैक्टेंट्स पाए जाते हैं फीमेल्स में भी होते हैं मेल्स में भी होते हैं uh, लेकिन अब आजकल इसको uh, अलग अलग केमिकल्स जो हैं इन्वायरमेंट uh, में जो रिलीज होते हैं uh, उन उनकी उनमें भी इंक्लूड किया गया एंड और ये मेजर ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं पॉपुलेशन के उनको उनकी फंक्शनिंग को या उनके बिहेवियर को भी अस, पर भी असर डालते हैं फिरमोन्स जो हैं वो सोशल इंसेक्ट्स में बहुत काम की चीज़ होते हैं बहुत काम के केमिकल्स होते हैं क्योंकि वो सोशल इंसेक्ट्स में आपसी कम्युनिकेशन और कॉलोनी स्ट्रक्चर जो होता है उनका उसके मेंटेनेंस में काम आते हैं कॉकरोच का जो फिरमोन यहाँ पे कलेक्ट हुआ वो येलो कलर्ड वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है जिसकी बड़ी फ्लोरल स्मेल होती है तो मेल कॉक्रोचेज जो होते हैं वो बड़े एक्साइट हो जाते हैं इंटेंस एक्साइटमेंट के साथ में और अपने विंग्स रेज कर करके और मेटिंग करने की कोशिश करने लगते हैं तो <clears throat> यामोमोटो ने इस एक्सपेरिमेंट में फाइव मिलियन फीमेल कॉक्रोचेज के एबडोमस को यूज़ किया और उससे उन्हें ओनली ट्वेल्व मिलीग्राम्स ऑफ नहीं सॉरी ये यामो का नहीं है आ, ये ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट सिल्क मॉथ के साथ में किया गया जिसमें न, न, जो फीमेल्स थी वो अबाउट फाइव मिलियन फीमेल्स के एबडोम से सिर्फ ट्वेल्व मिलीग्राम बॉम्बिकॉल कलेक्ट किया गया सिल्क मॉथ जो होता है फीमेल सिल्क मॉथ होती है उससे ट्वेल्व मिलीग्राम मिलीग्राम बॉम्बिकॉल कलेक्ट किया गया क्योंकि ये बॉम्बिक्स मोराई से या बॉम्बिक्स स्पीशीज uh, के सिल्क uh, मॉथ से निकाला गया इसीलिए इसीलिए इसका नाम बॉम्बिकॉल रखा गया अब अभी तक जो सेक्स अट्रैक्टेंट्स इंसेक्ट्स से आइसोलेट किए जा चुके हैं उनमें ये बॉम्बिकॉल है सिल्क मॉथ से निकला हुआ सिवेट जो है उससे सिवेटोन जिप्सी मॉथ से जिप्लियोर मस्क डियर कस्तूरी मृग जो होता है उससे फिरमोन रिलीज होता है दैट इज़ एज मस्कोन जो खुशबू आती है कस्तूरी की वो मस्कोन कहलाती है फिर आ, हनी भी जो होती है उससे हनी भी क्वीन सब्सटेंस सब्सटेंस निकलता है ऐसे ही अमेरिकन कॉकरोच पेरी अमेरिकाना से जो फिरोमोन निकलता है दैट इज़ बिन आइडेंटिफाइड केमिकली एज टू टू डायमिथाइल थ्री थ्री आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल प्रोपियोनेट केमिकल है पूरा आपको याद रखना पड़ेगा अब आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फिरम्स पे तो फिरमोन्स जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को दो प्रकार से असर डालते हैं एक कहलाता है रिलीजर इफ़ेक्ट दूसरा प्राइमर इफ़ेक्ट अगर एक फिरमोन रेसिपिएंट मतलब रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव कर रहा है फिरमोन को एनिमल अगर रेसिपिएंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और इमीडिएट चेंज इन बिहेवियर ले आते हैं तो इस प्रकार के इफ़ेक्ट को हम रिलीज़र इफ़ेक्ट कहते हैं दूसरी प्रकार का इफ़ेक्ट है प्राइमर इफ़ेक्ट अगर एक फिरमोन रेसिपिएंट के अंदर एक सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को बदल दे ऑल्टर कर दे जिसके बदले में एनिमल अपने आप को किसी पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न के लिए तैयार कर ले अगर उसको अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई मिल जाए उस समय तो हम उसको प्राइमर इफेक्ट कहते हैं इसको हम इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं रिलीजर इफ़ेक्ट जो है उसमें फिरमोन डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करता है और इमीजिएट रिलीज ऑफ बिहेवियर होता है रिसीविंग एनिमल में या रेसिपियंट में प्राइमर इफेक्ट में क्या होता है फिरमोन रेसिपियंट एनिमल में फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में बदलाव ले आता है और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए तैयार करता है जो कि बाद में तब रिलीज होता है जबकि उसको एक अप्रोप्रिएट उद्दीपन मिले स्टिमुलाई मिले और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है इट्स अटली लॉन्गर प्रोसीजर ओके तो ये हो गया प्राइमर इफेक्ट अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल्स ऑफ रिलीजर इफ़ेक्ट कौन कौन से रिलीजर इफेक्ट्स होते हैं तो सेक्स अट्रैक्टेंट्स इन इंसेक्ट्स जो है वो सारे के सारे रिलीज़र इफ़ेक्ट कैटेगरी में आते हैं जैसे कि एक है एग्ज़ाम्पल रिलीजर इफ़ेक्ट का वो है मड स्नेल्स का तो मड स्नेल्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है वो उसकी सेंट से पता लगाते हैं अपने फूड का अगर आप एक स्नेल को क्रश कर दो वाटर के अंदर तो जो क्रश्ड सेल्स होंगी उनसे एक फिरमोन निकलेगा जिसको हम फियर फिरोमोन कहते हैं फियर फिरोमोन निकलता है जो कि बाकी दूसरे फिरोमोन्स को वापस से मिट्टी में जाने के लिए मड मड से ना मड में भी रहते हैं तो मड में जाने के लिए फोर्स करता है वो वापस छुप जाते हैं मिट्टी में जाके पानी में नहीं आते क्योंकि पानी में हमने क्रश्ड स्नेल uh, डाल दिया जिसकी बॉडी से क्रश uh, सेल्स से उसके फियर फिरोमोन रिलीज हुआ तो ऐसा इफ़ेक्ट देखा गया दूसरा इफ़ेक्ट रिलीजर इफ़ेक्ट क्या है कि एक मदर रैट जो होती है वो अपने निप्पल्स को खुद ही लिक uh, करती चाटने लग चाट लेती है तो uh, क्या होता है कि उसकी जो स्मेल uh, जो है वो उसके निपल्स पर आ जाती है और जो उसके ब्लाइंड पप्स होते हैं जब बच्चे होते हैं रैट uh, के वो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं छोटे छोटे से तो uh, तो जो ब्लाइंड पप्स होते हैं वो अपनी मदर uh, की जो सलाइवा होती है uh, वो uh, क्योंकि निपल्स पे लगा देती है वो लिक करती है जब तो वो उसकी स्मेल से निपल्स uh, तक पहुँच जाते हैं मदर की अगर आप उन उसकी निप्पल्स को वॉश कर दो रैट की तो पप्स जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते मदर की निप्पल्स तक एक और एग्ज़ाम्पल है रिलीजर इफ़ेक्ट का कि जो टर्माइट्स जो होती हैं वो जैसे ही देखती हैं कि उनके जो टर्मिटेरिया है टर्म या माउंड जिसे बोलते हैं जिसमें घर में रहते हैं बना के वो वो अगर कहीं से टूटा हुआ है तो वो एकदम से अलार्म सेंट रिलीज़ करते हैं अलार्म सेंट मतलब जिससे कि कॉलोनी उनकी कॉलोनी कॉलोनियल एनिमल हैं सोशल एनिमल्स हैं तो कॉलोनी बना के रहते हैं तो जैसे ही अलार्म सेंट रिलीज़ करते हैं तो बाकी सारे जो इनके टर्माइट्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है और वो इमीजिएटली वहाँ पर पहुँचते हैं जो मेसन का काम करती हैं टर्माइट्स उनके सोशल ग्रुप में वो इमीजिएटली उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है उस जगह को जो भी क्रैक या जो भी खराबी आई है डैमेज हुआ है उनके माउंड को उसको ठीक करना शुरू कर देती हैं तो इसको हम क्योंकि इमीडिएट इफ़ेक्ट्स हैं ये इसीलिए इनको हम रिलीजर इफ़ेक्ट्स के एग्जांपल्स में काउंट करते हैं नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ प्राइमर इफ़ेक्ट प्राइमर इफेक्ट जो है वो 1955 में वेंडरली और एल एम बूट ने स्टडी किया था ये मैमेलियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट्स देखे माउस के ऊपर फीमेल माउस के ऊपर उन्होंने देखा कि आ, जब फीमेल माइस में उनको एक न, फ़ीमेल माइस फॉर लेफ्ट इन द केज टू लिव टू एक केज में ही अगर कई सारी फ़ीमेल माइस को रहने के लिए छोड़ दिया गया तो देखा गया कि उनकी ईस्ट्रा साइकल्स जो होती हैं वो सेंट्रोनाइज हो गई सिंट्रोनाइज uh, हो गई मतलब पास uh, पास हो गई बिल्कुल आपने uh, खुद ने अगर हॉस्टल में रहते हैं आप लोग तो आपने ऑब्जर्व किया होगा गर्ल्स हॉस्टल में अधिकतर कई बार ऐसा होता है कि एक गर्ल के पीरियड शुरू होते हैं तो साथ में जिन गर्ल्स के दो चार दिन आगे या पीछे डेट होती हैं वो सब वो भी कोई थेड होती हैं और वो सब सबके के, किसी के अर्ली और किसी के लेट ऐसे होते हैं तो वो एक ही डेट पे होने शुरू होते हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ़ द गर्ल्स आर मैंटिंग एट द सेम टाइम तो इसको ली एंड बूट इफेक्ट कहा जाता है जैसे रैट्स की ईस्टर साइकिल फी, फीमेल माइस की ईस्टर साइकिल सिंक्रोनाइज हुई ऐसे ही हम गर्ल्स हॉस्टल में देख सकते हैं इफेक्ट अगर फ़ीमेल माइस को मेल माइस से ज़्यादा दिन के लिए अगर दूर रख दिया गया तो ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि उनकी ईस्टर साइकिल कम्प्लीटली रुक जाती है अगर एक प्रेग्नेंट माइस जो है उसके साथ में ए, उसका जो पार्टनर मेल है उसको हटा के अगर एक दूसरे मेल को रख दिया जाए या जिसे हम बोलेंगे स्ट्रेंज मेल को रख दिया जाए तो उसकी स्मेल से जो जो प्रेग्नेंट जो फीमेल माउस है वो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो ख़त्म हो सकती है टर्मिनेट हो सकती है या ब्लॉक हो सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल मेल जो है पार्टनर जो था उस फीमेल माउस का वो उसकी अडर जो है वो उसकी प्रेगनेंसी को अनडिस्टर्ब रहने देती है अदरवाइज कोई दूसरा मेल रख दिया जाए उसके साथ में प्रेगनेंसी टाइम में तो उसकी प्रेग्नेंसी टर्मिनेट हो सकती है ऐसे ही एक एग्जाम्पल एडल्ट सालमन में देखा गया जो कि एडल्ट uh, होती है वो वैसे uh, हर साल ईयर आफ्टर ईयर उधर जाती है ट्रैवल करती है माइग्रेट करती है जहाँ पर वो पैदा हुई थी ठीक है ना तो क्या स्पॉनिंग ग्राउंड्स के लिए वो वापस वहीं जाती हैं उसी जगह जहाँ पर वो पैदा हुई होती है क्वीन भी जो होती है वो आ, अपनी मुनार की मतलब अपना जो शासन जो है जो रा, जो उनका राज है उसको वो कैसे प्रिजर्व करती है एक अडर रिलीज़ करती है एक फिरमोन रिलीज़ करती है जो कि वर्कर बीज को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि वो आ, न्यू रॉयल चैम्बर जो है वो बनाने बंद कर दें क्योंकि उससे और क्वीन सेल्स बन जाएंगे और क्विंस पैदा होंगी यानी क्वीन बी अकेले एक क्वीन बी अगर बन गई है पहले पहले जो बनती है वो दूसरी क्वीन बीज नहीं बनने देना चाहती इसीलिए वो एक अडर रिलीज़ करती है विच इज़ अ फीरोमोन और उससे जो वर्कर बीज होती हैं वो दूसरे जो रॉयल चैम्बर्स जो होते हैं या क्वीन सेल्स जो होती हैं उनको उनमें ये उनमें रॉयल जेली फीड करने से मना कर देती है वर्कर बीज को वो जो अडर होती है या वो जो फिरमोन होता है तो इस तरीके से एक कॉलोनी में एक ही क्वीन भी क्वीन भी रह जाती है तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमर इफेक्ट स्टूडेंट दिस इज नॉट कंप्लीट नॉलेज ऑफ फिरोमोन्स आई एल बी कमिंग बैक विद सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सो कीप वेटिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच